हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे प्राची है, हेलो बोल दो। हेलो। तो अभी मेरा भाई जो है अंकित, बुआ का लड़का, तो वो कल सुबह ही चला जाएगा राखी बंधवाने के बाद। वो अपना ड्यूटी जहाँ करता है बैंगलोर, तो उसके लिए यहाँ पे बन रहा है देने के लिए नमकीन। नमकीन तल रही हूँ, अभी बुआ तल रही थी कि मैं अभी तल रही हूँ। बुआ तैयार हो रही है कहाँ जाने के लिए, तो यहाँ नीचे मेला लगा हुआ है, तो वहाँ हम लोग सब लोग तैयार होके बस जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। और आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को भी मेला घुमा देते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे बुआ हो रहे हैं तैयार, यहाँ पे मम्मी हो रही है रेडी, और यहाँ पे प्राची मस्ती कर रही है, बहुत मस्ती करती है प्राची। और यहाँ पे ये देखिए बाबू क्यूट सा सोया हुआ है अभी मस्त से हवा में। क्या बोल रही थी प्राची? दीदी मौसी दुबई में एक बार मैं पार्क गई थी। हाँ। ये वाला पैंट पहन के स्लाइड वाले झूले पे ऐसा ना फिसले कि जमीन पे जाके गिर पड़ी। ओहो, तो पैंट चेंज करना पड़ेगा ना? नहीं, क्योंकि मिट्टी सैंड था ना। सैंड? हाँ सैंड, तो यहाँ पे तो नहीं होगा ना सैंड। तो चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं फिसलेगी। पहन लो जूता, पहन लो अपना। तो गाइज हम लोग बस तैयार हो गए हैं सभी लोग और निकलने ही वाले हैं। कहाँ है पानी का बोतल? कहाँ है पानी? मामा लिया है। दिल्ली की सड़कें कितनी खचा खच भरी हुई है। अभी रक्षाबंधन का टाइम है और मिठाई की दुकान पे भी बहुत भीड़ थी, तो हम लोग अभी मिठाई नहीं खरीदे हैं, आप लोग को दिखाएंगे आगे। बहुत ढेर सारी भीड़ लगी हुई है क्योंकि कल ही रक्षाबंधन। और यहाँ से झूला दिखा दे रही हूँ आप लोग को, बड़ा वाला। तो गाइज हम लोग पहुँच गए मेला का मेन गेट, जहाँ अंदर इसमें लगा हुआ है मेला। और अनवी भी यहाँ पे जग गई है नानी के गोद में। इसको भी मेला घूमना है, इसलिए ये गेट के पास ही जग गई है। छोटा मोटा मेला लगा है, बच्चों के लिए अच्छा है। हर तरह का झूले लगाए गए हैं। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेला के पास पहुँच गए, और बहुत खास मेला नहीं लगा हुआ है, बच्चों के लिए सही है। यहाँ पे झूले का व्यवस्था है हर प्रकार का, और व्यंजन भी बना हुआ है तरह तरह का, तो मन किया तो मेले की तरह खा भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी आगे आगे जा रही है, और प्राची बहुत झूला झूलेगी, परेशान कर रही है, बिना टिकट का ही जाने लगी है अंदर। तो और यहाँ पे अनवी और उसके नानी मामा मिलके खिला रहे हैं। देखिए कौन कौन झूलता है, मेरे को तो झूले बहुत दिन हो गया है। मम्मी आप बैठेंगे झूला पे? हाँ हाँ, कौन से झूला पे? वो बैठेंगे ना तारा माची, तारा माची पे। चलिए ठीक है, बुआ को दे देंगे इसको। हाँ। अब बैठा जाएगा। क्या करना है, क्या करना है? ये जिस नंबरों के अंदर आपकी हो जाएगी, इनके नंबर टोटल कर लेंगे। अच्छा, टोटल करके इनमें से आप झूला पे बैठ बनेगा, उसी नंबर का गिफ्ट तो आपको सामने। अच्छा, और रुपया है? 50 रुपये। पे अपने मामा लोगों को लेके जा रही है कि मेरे को यही झूला पे बैठना है, तो उसके मामा लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? ये वाला झूला झूलना है। चलो। तो गाइस इसको ये वाला झूला पसंद आया है, सही है, इसका साइज भी हो जाएगा बॉडी का। अनवी नानी के साथ हो, तुम कौन सा झूला झूलेगी? हाँ, तुम्हारे लायक अभी नहीं है, तुम बड़ी हो जाओ तब झूला झूलना।
तो गाई जी तारा माची का जो राउंड वाला झूला होता है उसका फूफा जी ने टिकट ले लिया है और हम लोग चार आदमी घूमने जा रहे हैं। मैं, मम्मी, अंकित और ये चारों जन घूमने जा रहे हैं। तो बस अब टिकट ले लिए हैं और अंदर इन कर रहे हैं। मम्मी आ रही बहुत लाइट है और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा झूला है। बहुत ही बड़ा झूला है दोस्तों और यहाँ पे नौका भी स्टार्ट कर दिया है अभी दो तीन लोगों के साथ। ज़्यादा लोग तो नहीं है क्योंकि बहुत ही महंगा प्राइस रखा हुआ है झूले का, बहुत ही महंगा। और यहाँ से देख सकते हैं, मैं तो नौका पे बहुत बार बैठी हुई हूँ, पहले बहुत बार झूले पे बैठ चुके हैं। अभी अनवी है तो बस मैं जो फटाफट से ये वाली झूले पे बैठ जाती हूँ और ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाती हूँ सीढ़ियों के ऊपर। हम लोग फाइनली झूला पे बैठ गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं और इसके पीछे नीचे ही प्रियांशु और अंकित है और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रोक भी नहीं लगाया हुआ है, कोई हैंडल कुछ भी नहीं, तो डर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे भाई साहब अंकित और प्रियांशु यहाँ पे बैठा हुआ है हम लोग के सामने ही। और ये मम्मा बहुत डर रही है, देखिए ऊपर में बहुत डर लग रहा है। पकड़ ला और दोस्तों ये देखिए ऊपर से व्यू दिल्ली का बहुत। हाँ, सब तो दोस्तों हम लोग झूला झूल लिए हैं और उतना तेजी में नहीं झुलाया है, सही है। और दोस्तों हम लोग झूला झूल के आए तो देख रहे हैं कि अनवी को फूफा जी यहाँ पे झूला झूला रहे थे। वो बोल रहे थे सारे लोग झूला झूल रहे हैं और बब्बी क्यों, अनवी बब्बी क्यों नहीं झूलेगी, इसलिए अनवी को भी यहाँ पे बैठा दिए झूले पे। ये भी पूरा एंजॉय कर रही है नाना जी का पैसा। और दोस्तों यहाँ पे प्राची डिमांड कर दी है अपने नाना जी से कि उसको बर्गर खानी है, तो बस नाना जी यहाँ पे बनवा रहे हैं गर्मा गर्म बर्गर। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग घूमने आए थे और इसी वक्त आंटी भी आ गई घूमने के लिए। हाँ तो हम लोग बस निकलने ही वाले थे तो मुलाकात हो गई, आंटी भी आ गई। हमेशा हमेशा वीडियो में आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और यहाँ पे है, क्या नाम है आपका बता दीजिए? अंशिका नाम है आंटी की लड़की है और यहाँ पे बड़ी वाली लड़की है। आप तो अभी स्टार्ट करेंगे घूमना। चलिए आपकी बेटी खर्चा करवाएगी आज, झूला वाला पे बैठती है कि नहीं? नहीं। चलिए तब तो आपका खर्चा नहीं होगा ज्यादा, ये तो बहुत महंगा झूला है। क्या खा रही है अनवी? नानी क्या खिला रही है अनवी को? बर्गर खा रही है अनवी तो। ये इसका बाल बांध के आई थी लेकिन ये झूला में ना खुल गया झूला झूलते समय। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मेला घूम के और वापस घर को जा रहे थे और यहाँ पे देखिए बीकानेर स्वीट्स और यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है क्योंकि नेक्स्ट दिन राखी था और राखी पे बहुत सारे लोग मिठाई खरीदते हैं, पता ही है आप लोग को। और यहाँ पे हम लोग रुके थे मिठाई खरीदने के लिए और बहुत अच्छे से सजावट भी हो रखी थी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।